अब तुम एक काम करो, इस पानी को लेके जाओ राहुल को, स्पॉन्ज बाथ दे देना। और अगर वो मना करे और ये कहे कि मुझे शावर लेना है, तो उसे स्ट्रिक्टली मना कर देना। उसे बोलना कि मैंने मना किया, ठीक है? जाओ ले जाओ। अब लेकिन वो तो शावर ले रहे। क्या? शावर ले लिया? हाँ, वो नहाने वाले थे कि पानी बंद हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा पानी लाने के लिए। अभी मना करके आई हूँ उसे कि बुखार है, ठंडे पानी से ना नहाए। लेकिन ये लड़का तो कभी किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं अभी बता के आती हूँ उसे। अबे निखिल जल्दी कर यार। राहुल, मनु, राहुल तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने तुम्हें मना किया था ठंडे पानी से नहीं नहाना, लेकिन तुम फिर भी ठंडे पानी से नहाए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राहुल? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? जब मैंने तुम्हें मना किया कि तुम ये काम नहीं करोगे, फिर तुमने ये काम क्यों किया? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैं कुछ भी बोलती हूँ तुम बिल्कुल नहीं सुनते, ऐसा क्यों करते हो तुम? मनी, हाँ, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? मेरे कपड़े नहीं पहने हुए। क्या? क्या हुआ राहुल? मम्मा, तुम आवाज लगा रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो पानी नहीं है ना बाथरूम में, इसलिए। अच्छा, अरे बेटा पता है कुछ, मानवी कहाँ है? मुझे क्यों पता होगा मम्मा मानवी कहाँ है? वैसे भी वो कहाँ बता के जाते, कहीं चली गई होगी। अजीब है, मुझे तो इसी कमरे से आवाज आ रही थी। मैं बता के नहीं जाती, तुम जैसे बड़ा बता के जाते हो। क्या करूँ, सिचुएशन को समझो, नीचे मत देखना प्लीज, हिलना मत। क्या मम? मुझे लगा रूम से उसकी आवाज आ रही थी। पता नहीं मम, वो मैं तो ना रहा हूँ, मुझे क्यों पता होगा, आप देख लो ना बाहर कहीं। ठीक है बेटा, मैं बिना बताए बाहर जाती हूँ या तुम बाहर जाते हो? हाँ वो क्योंकि कुछ मिला नहीं ना बोलने के लिए, और कपड़े भी नहीं पहने हुए, तो ऐसे ही खड़े रहना, ठीक है? टाल नीचे है, आंखें बंद करो। हाँ ओके, हो गया। तो ये मेरे, हाँ एक सेकंड चेक करना, मम बाहर तो नहीं है? तुम नहीं है। सुनो वो पानी भेज देना प्लीज। हाँ, तुमने बात तो कोई सुननी नहीं होती मेरी।